ये सिर्फ करेला और नीम है, आप लोगों ने इसके ऊपर पाँव से इसे इस तरह करना है, ऐसे चलिए इसके ऊपर करिए, ये चटनी को पैर के नीचे कर लीजिए ना, ये करेले और नीम की चटनी है जो आप पैरों के ऊपर इसे इस तरह करिए। नीम करेला नृत्य है इसका नया नाम, कि घर पे नीम और करेले के साथ नृत्य कीजिए। मैडम शुरू करो, ऐसे ऐसे करना शुरू करो, आपको चमत्कार दिखेगा। तो ये अभी आपके सामने पैरों के नीचे करेला और नीम का जो पेस्ट है, जो डॉक्टर साहब ने बोला था करेला नीम नृत्य है, वो जारी है। तब तक एक पेशेंट आपके आपके क्या आपके मुंह में टेस्ट आने लग गया, क्या टेस्ट आया अभी तक, मतलब कड़वाहट करेले की आ गई। अब आप मुझे ये बताओ कि नंगे पाँव आपने खाया तो है नहीं, मुंह में टेस्ट कैसे आ गया? इसका मतलब पैरों में रिसेप्टर्स हैं, पैरों में शक्ति है वो अंदर लेने की, ग्रेस्प करने की, इसीलिए आपको इस हॉस्पिटल में नंगे पाँव घुमाया जाता है, ताकि आपकी बॉडी में वो एनर्जी धरती की भी आए। तो ये सबूत है इस बात का कि हमारे हम 17 साल का शुगर पेशेंट है, पेनक्रियास बाईपास सर्जरी हुआ था उसका बाद में शुगर आ गया। अभी यहाँ कितने दिन हो गए आए हुए? 4 दिन। 4 दिन में क्या फायदा हुआ है? इंसुलिन छूट गया, इंसुलिन छूट गया है। डॉक्टर साहब सारे इंसुलिन छोड़े वाले है, देख लो जो इंसुलिन दुनिया में बोला जाता है छूटती नहीं है, वो आपके सामने कितने सैकड़ों पेशेंट हम आपको मिलवाने को तैयार हैं जिनकी छूट गई। एक और पेशेंट है हमारे साथ, तो सर आपका क्या एक्सपीरियंस है? आपको लगभग पिछले 8-10 मिनट हो गए हैं, करेले का टेस्ट जीभ पे आने लग गया, तो ये जादू नहीं लग रहा? पैर नंगे खाया है नहीं और करेला मुंह में आ गया, तो सोचो ये करेला नीचे से ऊपर तक पहुंचा है तो सारी बॉडी के ब्लड को साफ नहीं करके आया होगा, जरूर कर। करेला को क्यों बोलते हैं करेला कड़वा, नीम चढ़ा क्यों बोलते हैं? करेला और नीम दोनों शुगर, बीपी और ये क्रिएटिनिन बढ़े हुए में रामबाण काम करते हैं। अगर इमीडिएट बढ़ाओ तो ये तरीका अपनाओ और पूरे भारत में इस तरीके को फैलाओ।